भाई ज्यादातर जो स्नैक्स हैं वो तली हुई चीजें होती हैं, तो आज नो ऑयल स्नैक्स, बिना तेल के स्नैक्स। शुरुआत करते हैं ग्रीक रोल से, और इसके लिए मुझे चाहिए जरा ये प्याज, और जो लोग प्याज नहीं खाते, ये प्याज नहीं है, ये आलू है। तो प्याज के राउंडल्स काट लेते हैं, और फिर इन प्याज को पकाना है हमने, तो एक नॉन स्टिक पैन ले लेते हैं और ये प्याज को बस पकने के लिए डाल देते हैं। और अब एक काम करना है, हमें चाहिए दही, और ये जो दही है ये भी बिना तेल वाली, नहीं नहीं दही में तेल थोड़ी होता है, मतलब दही में से पानी निकालना है। अब जो दूध का फैट है थोड़ा बहुत वो तो रहेगा ही रहेगा, तो ये जो दही है जिसमें से पानी निकला हुआ है, ये फिर जरा मुझे चाहिए फ्रेश मिंट, पुदीना, और उसके साथ साथ थोड़ा धनिया। तो ये पुदीना और धनिया ये ले लेते हैं, और इसे मुझे काटना है, चॉप करना है। तो ये पुदीना और धनिया, और इस पुदीने और धनिए को ये मैं दही के अंदर डालूंगा, इसके अंदर नमक और क्रश्ड ब्लैक पेपर, और इसके साथ साथ नींबू का रस, और ये जो मिक्सचर है इसे ले लेते हैं, अच्छी तरह से कर लिया मिक्स। वाह, अब थोड़ा सा कुछ हरा डालते हैं, खीरा पतला और लंबा इस तरह से काट लिया, और इसी तरह से थोड़ा टमाटर, टमाटर को भी पतला, बस दोनों चीजें जरा मिला लेते हैं। अब मुझे चाहिए ये रोटी, ये जो रोटी है आप तोर्तिया बना लें, और अब इसे थोड़ा गरम करना है हमें। और प्याज का क्या हाल है, खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है, इसे अगर आपने और ज़्यादा सॉफ्ट करना है तो इसमें थोड़ा सा नमक डाल दें। अच्छा एक काम करते हैं, सब चीज़ें हो ही रही हैं, थोड़े से ग्रीन ऑलिव ले लेते हैं, हरे वाले ऑलिव, ये लीजिए, और इसे भी काट के इसके अंदर। अब ये जो तोड़तिया है ये हो गया अच्छा गरम, वाह, और इस तोड़तिये को रख दें इस एल्युमिनियम फॉइल के ऊपर, और इसके बाद ये जो दही का मिक्सचर हमने बनाया है पुदीने धनिए के साथ नमक और उसके साथ साथ नींबू का रस, और फिर खीरा और टमाटर ऑलिव के साथ। और अगर तीखा बनाना चाहते हैं तो ये देखिए, ये क्या है, हेलोपिनो पेपर्स, और अब ये जो प्याज हैं थोड़े जले हुए गरम प्याज, कैरमलाइज्ड अनियन बिना तेल के, ये इसमें डालें, और सब चीजों को अब हमने रोल करना है, और इसके बाद आप ये एल्युमिनियम फॉयल इसी तरह से, ये बस गर्मा गर्म ग्रीक रोल तैयार। जैसे जैसे खाते जाएं ये एल्युमिनियम फॉयल नीचे करते जाएं। आप नोट करें इसके इंग्रेडिएंट्स और उसके बाद इसका एक रीकैप, इसके लिए चटनी की कोई जरूरत नहीं है। ग्रीक रोल, इसके लिए हमें चाहिए चार तोर्तिया, दो प्याज गोल कटी हुई, एक कप दही का चक्का, दो बड़े चम्मच हरा धनिया बारीक कटा हुआ, दो बड़े चम्मच पुदीने के पत्ते कटे हुए, नमक स्वादानुसार, आठ काली मिर्च कुटी हुई, एक बड़ा चम्मच नींबू का रस,
दो खीरे स्लाइस किए हुए, दो टमाटर स्लाइस किए हुए, 8 हरे ऑलिव स्लाइस किए हुए और एक हैलापिनो पेपर्स कटी हुई। इसे बनाने के लिए एक पैन में प्याज के राउंड रोल्स को सुनहरा होने तक भून लें। इसके ऊपर नमक डालें और इसे मिक्स कर लें। एक बोल में दही लेकर इसमें पुदीना, नमक, काली मिर्च, काला नमक और नींबू का रस डालकर मिक्स करें। एक तवे पर तोर्तिया को दोनों तरफ से गर्म कर लें और इसके ऊपर दही का मिक्सर फैलाएं। बीच में खीरा, टमाटर, कटी हुई हैलापिनोज और प्याज को रखें और इसे एल्युमिनियम फॉइल से लपेट कर सर्व करें।